यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान की तरफ से वहां पर ये रेजोल्यूशन पेश की गई और इसमें इसराइल पर एम्बार्गो लगाने की तजवीज रखी, जिसमें इसराइल पर तुरंत जंगबंदी करने और उसे मुजरिम करार देने के लिए वोटिंग की गई। इस तजवीज पे भारत समेत 13 मुल्कों ने अपना किनारा कर लिया। पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इसराइल को वेपन्स ना दिए जाए, ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो भारत ने सच्चे मित्र की भूमिका अदा करते हुए इस मतदान में हिस्सा रह लिया। जब मुसलमान शहीद किए जा रहे थे गजा के अंदर, अल्लाह के घर पे हमले किए जा रहे थे, तो मुसलमान 29 अक्टूबर 2023 को शकीरा का इजाजुल मुकद्दस में बराना मुजरा देख रहे थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए इस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखी। भारत ने शुक्रवार को मानवाधिकार परिषद में उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी जिसमें गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया था। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके इसराइल के साथ भी बड़े जबरदस्त ताल्लुकात, रशिया और इंडिया और इसराइल और इंडिया की तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ना तेरा साथ, वो वाली दोस्ती है कि आपको लग रहा है जब हम डिबेट में है तो इस वक्त ये डिसाइसिव मोमेंट पर हम आ गए हैं फलस्तीन और इसराइल की जंग को। अब आप ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट स्टेज है। वो कह रहे हैं कि हाँ भी चलें आप करारदाद पेश करें, तो फिर इसका मतलब ये कि अब इसराइल के एंगर के लिए और जिन जो ग्रुप्स इसराइल के साथ है उनके एंगर के लिए भी आप अपने लिए तैयार हैं, पहले ही इतने मास्क खुले। अब ये करारदाद जो कि पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई, तो अब ये सोचा जाए कि पाकिस्तान ने ये रेजोल्यूशन क्यों रखी उसमें। एक तो वो ठीक है कि आपका एक स्टैंड है फलस्तीन के हवाले से और सारे जुलूस वलूस निकलते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन UNHCR में ऐसी रेजोल्यूशन का पाकिस्तान की तरफ से रखे जा, इसमें पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा था ग्रुप वो OIC है, यानी OIC की तरफ से जितने भी इस्लामी ममालिक है अल्बानिया को छोड़ के बाकी तमाम कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान ने लीड किया है इस रेजोल्यूशन को, यानी यही कि वो मामे तो हम बनते हैं तो हम मामे बनकर आगे बढ़े और हमने कहा जनाब हम ये रेजोल्यूशन पेश करेंगे। अब ये मामे जो है आप खुद बने हैं या फिर ये कि आपको आगे लगाया गया है कि तमाम, देखिए क्योंकि ये रेजोल्यूशन तो असल में सऊदी अरेबिया को लीड करना चाहिए था। देखिए जब OIC की बात की जाती है, मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, तो सऊदी अरेबिया का बनता था कि वो आगे बढ़ के ये वाली रेजोल्यूशन पेश करे, और ये आए कि जनाब ये रेजोल्यूशन जो है UNHCR में सऊदी अरेबिया की तरफ से पेश की गई है, लेकिन नहीं उन्होंने आगे लगा लिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को अगर वो कहेंगे तो जाहिर है पाकिस्तान ये करेगा, और वैसे भी खुद भी आपको पता है कि जो जिहादी एक माइंड सेट है उसमें तो अपनी, लेकिन जो पैलेस्टीन का स्टैंड है पाकिस्तान खुद भी कर सकता था। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि जाहिर है कि अगर तमाम कंट्रीज पीछे और पाकिस्तान आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हाँ भी चलें आप करारदाद पेश करें, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब इसराइल के एंगर के लिए और जिन जो ग्रुप्स इसराइल के साथ है उनके एंगर के लिए भी आप अपने लिए तैयार हैं, पहले ही इतने महास खुले हुए। लेकिन एनीवेज ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हो गई है, इसमें जो इंडिया का स्टैंड आया है वो दो तीन करारदादें जो है पेश की गई, यानी एक तो ये थी एम्बार्गो के जो हथियार हैं उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाए, लेकिन इसके अलावा एक और रेजोल्यूशन पेश की गई जिसमें ये कहा गया कि जो वहां पर इसराइल के ने उन ऐसी प्लेसेस ऐसे एरियाज के जहां पर कब्जा किया गया इसको मानते हैं आप कि यहाँ 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 नाम लिए गए इसके ऊपर कब्जा किया गया, उसके ऊपर जिन कंट्रीज ने कहा यस उसको सपोर्ट किया उसमें इंडिया भी, तो उसने कहा यस ये माना जाता है कि उसको कब्जा किया गया। फिर दूसरी एक और करारदाद ये थी, एक और रेजोल्यूशन में ये सवाल उठाया गया कि क्या जो पैलेस्टीन है उसको हक के खुद इरादियत है, यानी उसको हक हासिल है, उसका राइट है कि उसको माना जाए, क्योंकि अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ये बात याद रखिएगा। तो उसके ऊपर भी जो स्टैंड इंडिया की तरफ से आया वो काबिले तारीफ स्टैंड है। मैं समझती हूँ कि इंडिया ने ये जो रेजोल्यूशन पर यस किया इसके बावजूद कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इसराइल का, मतलब कि वो तो हाथों में हाथ डाले हुए दो कंट्रीज है इसराइल और इंडिया, लेकिन फिर भी इंडिया ने जहां पर उसूली मौके एक ऐसा स्टैंड आना चाहिए था जिसके ऊपर उसने कहा माना कि हाँ ये बात जो है ये सही है और इसको हम इंडोर्स करते हैं। लेकिन जो तीसरी करारदाद है रेजोल्यूशन जिसमें कि एम्बार्गो की या हथियार ना देने की, ये अमेरिका से कहा गया है कि इसको हथियार ना दिए जाए, बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इसराइल को वेपन्स ना दिए जाएं, हथियार ना दिए जाएं, ताकि वो जो एक जनवरी में ये बात कही गई थी यूनाइटेड नेशंस में ये रखी गई थी करारदाद की वहां पे, क्योंकि नस्ल कुशी हो रही है फलस्तीन में, तो इस वजह से इसका खतरा है
इसलिए हथियार ना दिए जाए। उसी को आगे चलते हुए ये बात अब यहां तक पहुंची तो उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया और ये वो तीसरी रेजोल्यूशन थी। तो जहां पर उसने ये देखा इंडिया ने कि यहां पर ये एक असूली स्टैंड है, इसको सही कहना चाहिए, उन्होंने वहां पर अपना वोट दिया ये देखे बिना कि इसके ऊपर इसराइल नाराज होगा। ये हम पहले भी देखते रहे हैं कि जहां पर ऐसा कोई एक स्टैंड होता है कि जो होना चाहिए वो ये समझते हैं कि नहीं ये बात अगर सही है तो इस पर अगर दोस्त भी नाराज हो रहा है तो वो उससे पीछे नहीं हटते, वो बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने दोस्तों के कहने पर या दोस्तों के जितने भी यानी दोस्त क्या जितने भी मुस्लिम उम्मा के जो भी कंट्रीज उसमें शामिल है उन सब के आगे होकर वो वाली रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाई और हो गई है। इससे जब हम आगे बढ़े तो इस वक्त अब ये हुआ है कि पूरी दुनिया का एंगर जो है वो नेतन्याहू के ऊपर और नेतन्याहू का जो एंगर है वो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त यानी वो ये इस वक्त इन कंट्रीज से नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन इसराइल की तरफ से ईरान को ये धमकी दी गई है कि अगर आपने कुछ भी किया जो आप कह रहे हैं तो उसके बाद इसराइल है वो एक ऐसा हमला करेगा कि ईरान को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब वो क्या हमला हो सकता है अगर आप सोचें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा बम या ऐसा मिसाइल वो इस्तेमाल किया जाएगा, कोई ऐसी मैग्नेटिक फोर्स इस्तेमाल की जाएगी जो कि इसराइल के पास वो ताकत है और वो है कि वो जब वो यूज करेगा तो ईरान की तमाम डिवाइसेस जैम हो जाएंगी। अब ईरान की डिवाइसेस जब जैम होंगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ईरान में जितनी भी बिजली का निजाम है, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी ऐसा सिस्टम है वायरलेस से लेकर इंटरनेट तक, बिजली तक, फोन तक, पानी तक, सब कुछ बंद हो जाएगा। यानी वो डिवाइसेस काम करना छोड़ देंगी। जिस तरीके से आप समझ लें कि कुछ हैक होता है उसको बंद कर दिया जाए तो वो डिवाइस काम करना छोड़ देगी। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके इसराइल के साथ भी बड़े जबरदस्त ताल्लुकात, बहुत क्लोज पार्टनरशिप, दोस्ती। ये दोस्ती जो है वो मतलब वैसी फिल्मी दोस्ती है, मतलब बहुत ही ज्यादा रशिया और इंडिया और इसराइल और इंडिया की, तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ना तेरा साथ, वो वाली दोस्ती है ये। धर्मेंद्र थे, शशि कपूर तो कौन, वो वाली दोस्ती है, मतलब बड़ी डेकेड्स पुरानी दोस्ती है ये उनकी। या तो वो इसराइल को इंडिया कह सकते हैं, इंडिया अभी नहीं कह रहा, इंडिया ने कुछ नहीं कहा कि जी, लेकिन अगर इसमें ये होता है कि कोई ऐसी जंग स्टार्ट होती है तो उसको रोकने के लिए या उसको फुल स्केल पर पहुंचने से पहले बीच बचाव कराने के लिए जो दो तीन कंट्रीज उसमें, क्योंकि इंडिया की इसराइल के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, वो कौन सा ऐसी बड़ी सुपर पावर है जिसकी अब नेक्स्ट सुपर पावर इंडिया की दोस्ती ना हो, है जी? तो वो ये कह सकते हैं, इंडिया के भारतीय जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो ये करवा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी ये कहा गया कि बल्कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो है वो ज़ेलेंस्की बार बार ये कहते हैं, उनकी तरफ फोन करते हैं, कहते हैं करवाएं, और जिस वक्त ज़ेलेंस्की उनको फोन कर रहे होते हैं तो उसी वक्त जो रशिया है प्रेसिडेंट पुतिन के भी फोन उनको जा रहे होते हैं कि उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उनकी तरफ हो जाए, तो इससे भी ये लगता है। और फिर अमेरिका के साथ जो है वो बिल्कुल खड़े होके सीधे बात करते हैं, दुबदू बात करते हैं, इंडिया जो है वो करता है, उनके वजीर आजम बिल्कुल ठोक बजा के बात करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये समझती हूँ कि इन कंट्रीज को आगे आना चाहिए,